तो जनाब अभी 3 महीने से ज्यादा दिन रहते हैं और अहमदाबाद के होटल्स जो है बुक्ड है, क्योंकि एक मॉल ऑलरेडी वहां पे बनना शुरू हो गया अहमदाबाद में, तो जनाब होटल्स जो हैं वो उनके कमरे बुक हो गए ऑलमोस्ट, और जो कमरे अवेलेबल हैं वो अब 1.5-2 लाख में मिल रहे हैं उस 14, 15, 16 अक्टूबर को। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच जो होगा उसको आपने अगर लाइव देखना है ना, और आपने रात जो है वो अहमदाबाद के किसी होटल में स्टे करना है, तो आपको 5 से 8 हजार नहीं बल्कि जिन होटल्स का जो है वो रेंट आज 5 से 8 हजार है, 10% जो उसको बढ़ा दिया गया है। अंदाजा लगा लो भाईजान, इधर हमारे पाकिस्तान में घंटे के होटल होते हैं, ना वॉशरूम सही होता है, ना भाईजान अंदर पानी आ रहा होता है, ना कोई मैं कहता हूँ एटिकेट्स होते हैं अंदर, और फजूल किस्म के, और इतने रेट्स भी वही नहीं होते इंडिया। अब भाईजान हम तो अहमदाबाद जरूर आएंगे, चाहे रोड पे जगह मिले, चाहे कोई झोपड़ी बना ले, चाहे किसी होटल के बाहर बालकनी में। तो भाई मैं तो 1,80,000 रुपए रोज के तो छोड़े, मैं तो 80,000 रुपए रोज के नहीं दे सकता। कल के दिन का रेट 5,000-6,000 और 14-15-16 के अक्टूबर का जो रेट है वो इस वक्त वहां पे 30,000-30,000 से ऊपर आ रहा है। सो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कई कई गुना बढ़ गया, और कई होटल्स का मैंने से जैसे वर्ल्ड कप 2023 करीब आ रहा है भारत में, इसका एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली इस तरीके की न्यूज़ आ रही हैं कि जो रूम है अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच है उससे पहले वो उनकी प्राइसेस बढ़ा दी गई। ऑब्वियसली बढ़ गई होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, अहमदाबाद बड़ा शहर है, बट स्टिल कंपेयर टू मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, इनके तुलना में अहमदाबाद उतना बड़ा शहर नहीं है, तो होटल्स वगैरह वहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं होंगी जितनी यहाँ पर हैं। फॉरनर्स NRI, इंडियन NRI काफ़ी बड़े नंबर पर आते हैं और उनके पास जो पैसा होता है वो इंडियन लोकल्स के पास पैसा नहीं होता जितना वो फंसा सकते हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और मैं तो 2019 के वर्ल्ड कप से ही नहीं उभरा हूँ, तो सीरियसली मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं इस वर्ल्ड कप से। आपको क्या उम्मीद है लास्ट में बताइएगा। तो जनाब होटल्स जो हैं वो उनके कमरे बुक हो गए ऑलमोस्ट, और जो कमरे अवेलेबल हैं वो अब 1.5-2 लाख में मिल रहे हैं उस 14, 15, 16 अक्टूबर को। जाके ज़रा booking.com पे रेट लिख के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जनाब कई कई गुना, जो 8-8, 9-9 हज़ार वाला कमरा है ना जी, वो पाकिस्तानी रुपीस में वो अब 33,000, 34,000, 50,000, 48,000 इतने में मिल रहा है, और जो नॉर्मल आम हालात में जो 15 से 20 हज़ार का जो बड़ा हाई क्लास होटल का कमरा है वो 1.5-1.5 लाख के कमरे उन दिनों में मिल रहे हैं। कल के दिन का रेट 5,000-6,000 और 14-15-16 के अक्टूबर का जो रेट है वो इस वक्त वहाँ पे 30,000-30,000 से ऊपर आ रहा है। सो इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कई कई गुना बढ़ गया, और कई होटल्स का मैंने चेक किया है कि उनमें 1-2 रूम से ज़्यादा रूम्स ही अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा सारा एनवायरनमेंट बन रहा है, माहौल बन रहा है, तो उसको तो फिर ख़राब नहीं होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान इंडिया मैचेस का जो क्रेज़ है वो कोई माने तो भी ठीक है, ना माने तो भी ठीक है, ना वो किसी के ना मानने से कम होगा, ना वो किसी के मानने से ज़्यादा होगा, वो तो जो है वो है। तो जनाब अभी 3 महीने से ज़्यादा दिन रहते हैं और अहमदाबाद के होटल्स जो है बुक्ड है। अभी आप सोचें जिस दिन टिकट्स ऑनलाइन आएंगी, मुझे तो लगता है कि सेकंड्स की गेम होगी एंड दैट्स इट। 5-स्टार होटल्स के सुनने में आ रहा है एक दिन का जो किराया है कमरे का, एक रात यानी, वो 50,000 होगा। 50,000 रुपए इंडियन यानी पाकिस्तानी, कोई 1,60,000-65,000 एक रात का किराया। तो भाई जान असी तो रोड तो ही सवेंगे फिर, इन्हें तो साढ़े को लाया नहीं ने। तो भाई जान ये है पाकिस्तान इंडिया का क्रेज, ये है पाकिस्तान इंडिया के मैच, द मदर ऑफ ऑल मैचेस। अहमदाबाद में ये हालात हैं कि भाई जान अभी 3 महीने से ज्यादा पड़े हैं, ऑलमोस्ट 99 डेज टू द स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप, एंड द होटल्स आर पैक्ड कैपेसिटी। वहां पे ऐलान हो गया कि भाई जान टाटा बाय बाय, पाकिस्तान इंडिया का मैच, होटल्स बुक है इंडिया। अब भाई जान हम तो अहमदाबाद जरूर आएंगे, चाहे रोड पे जगह मिले, चाहे कोई झोंपड़ी बना ले, चाहे किसी होटल के बाहर बालकनी में। तो भाई मैं तो 1,80,000 रुपए रोज के तो छोड़े, मैं तो 80,000 रुपए रोज के नहीं दे सकता, गरीब आदमी हूँ। हाँ 1-2 हज़ार रुपए 5,000 हो तो चले बंदा किसी तरह दे देता है, अब इतने ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता। के टिकट जैसे ही ऑन सेल आएंगे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम
अहमदाबाद 15 अक्टूबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, आप याद रखिएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये यूं जैसे भाईजान न्याज बढ़ती है, रेवड़ियां बढ़ती है, यू विल सी लाइक दैट गुड़ करके टिकते जाएंगी। ये है इंडिया पाकिस्तान मैच का दुनिया को इंतजार। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी होटल की बात करूँ ना, नॉर्मल डेज में किसी होटल के अगर रेंट की मैं बात करूँ तो वो 7,000 या 8,000 या 10,000 होगा ना, तो उसकी इंडिया पाकिस्तान वाले मैच से एक दिन पहले जो नाइट होगी ना, जब जो लोग नाइट स्टे करेंगे उधर, उधर पता कितनी हो जाएगी, 90,000। 90,000 इंडियंस में बात कर रहा हूँ मैं, इसको पाकिस्तानी में अगर आप जरब दोगे ना तो वो फिर पता किधर चली जाएगी, वो चली जाएगी भाई जान को 3 लाख के ऊपर बात चली जाएगी, 3.5 समथिंग इधर बात चली जाएगी। अंदाजा लगा लो भाई जान, इधर हमारे पाकिस्तान में घंटे के होटल होते हैं, ना वॉशरूम सही होता है, ना भाई जान अंदर पानी आ रहा होता है, ना कोई मैं कहता हूँ एटिकेट्स होते हैं अंदर, और फजूल किस्म के, और इतने रेट्स भी कोई नहीं होते। पाकिस्तान में जो 5 स्टार होटल होते हैं ना, वो सिर्फ नाम के 5 स्टार होटल होते हैं, अंदर उनमें केला भी नहीं पड़ा होता। मैं आपको एक बात बता देंगे वो, उसके बाद अगर मैं एक और होटल की अगर आपको बात बताऊं जिसमें जिसका रेंट अगर आप समझ लेंगे 5,000, 6,000, 7,000 तक जाएगा, उस होटल का रेंट पता है किस दिन, उस दिन पाकिस्तान में और इंडिया वाले मैच का दिन कितना चलाएगा बताने लगूं, 72,000। और आप अंदाजा लगा लो 72,000 को अगर आप मतलब पाकिस्तानी 3.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आप अंदाजा लगा लेना कि वो 2.5 समथिंग लाख तक बन जाएगा। आप अंदाजा लगा लो कि कितनी हाइप है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, दुनिया इसे देखने आएगी। आपको रेंट्स बता दिया, और जिस होटल की मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, जो 5 स्टार होटल बता रहा हूँ, वो 5 स्टार ही होंगे। फिर पाकिस्तान में चुना लगता है ना, पाकिस्तान में बोला 5 स्टार जाता है, लेकिन होते वो थर्ड क्लास किस्म के होटल है, होते थर्ड क्लास किस्म के, उनके बेडरूम में से स्मेल आ रही होती है, उनके बेड के ऊपर जो बेड शीट होती है उसके ऊपर मतलब अजीब किस्म के वो कहते हैं निशान लगे होते हैं, पता लग रहा होता है ये पट्टी किस्म के होटल में हम आए हुए हैं। और आप फिर पाकिस्तान में किसी थर्ड क्लास होटल में चला जाओ, उसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया ना, मतलब बेड़ा ही गर्क है। टिकट्स अगर देखा जाए तो वो तो महंगे हैं ही, इंडिया पाकिस्तान के मैच के टिकट्स अगर महंगे नहीं होंगे तो कौन से मैच के टिकट्स महंगे होंगे। लेकिन भाई साहब, अगर आपने रात को वहां पर स्टे करना है, जो कि बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा, तो आपके पास तकरीबन जो है वो जेब में 1,00,000 रुपीज होने चाहिए, जो आप जो है वो एक होटल के रूम का रेंट भरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार, रेंट भरने के लिए ये 1,00,000 रुपए को हमने क्या करना है, रेंट तो ज्यादा से ज्यादा 5,000, 8,000, 10,000 होता है इंडिया में या अहमदाबाद में लग्जरी होटल के रूम का, तो हमें जो है वो ये 1,00,000 रुपीज क्यों चाहिए। तो मेरे भाई, आप किसी गलत फहमी में है। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान मैच जो होगा उसको आपने अगर लाइव देखना है ना, और आपने रात जो है वो अहमदाबाद के किसी होटल में स्टे करना है, तो आपको 5,000 से 8,000 नहीं, बल्कि जिन होटल्स का जो है वो रेंट आज 5,000 से 8,000 है, 10% जो उसको बढ़ा दिया गया है। और एक रिपोर्ट आ रही है booking.com की, जिसमें booking.com ने ये कहा कि भाई साहब, जो इंडिया में अहमदाबाद में कुछ होटल्स हैं जिनमें अगर देखा जाए तो एक लग्जरी होटल का अगर 5,000, 8,000 जो है वो इस टाइम जो है वो रेंट है, तो 15 अक्टूबर को इसका रेंट जो है 71,999 रुपीज होगा। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि कहां पर जो है वो 5,000 से 8,000 और कहां पर जो है वो 71,999 रुपीज। यानी कि इतना ज्यादा रेंट को बढ़ा दिया जाएगा 15 अक्टूबर को। और फिर एक और होटल के हवाले से बताया जा रहा है कि इसका जो आम तौर पे यानी कि रूटीन के मुताबिक जो रेंट होता है वो होता है भाई 8,000 से 10,000 रुपीज, और जो मैच वाला दिन होगा यानी कि 15 अक्टूबर को इसका रेंट जो है वो 90,689 रुपीज होगा। आम बंदा तो अगर वो इंडिया पाकिस्तान का मैच, ये वीडियो यहां पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी 2023 वर्ल्ड कप, जो कि भारत में है अक्टूबर नवंबर में भारत में वर्ल्ड कप, और 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था वो मेरे हिसाब से इंडिया ने 2 अप्रैल में जीता था, तो ऑब्वियसली वो अप्रैल के पहले जो मई आता है उसमें स्टार्ट हुआ होगा, मई में हुआ होगा स्टार्ट, और मार्च अप्रैल मतलब मुझे याद नहीं है ऑब्वियसली, तो वो गर्मियों में हुआ था, ये वर्ल्ड कप होगा ठंडियों में। तो इस वर्ल्ड कप में एक ड्यू फैक्टर ज़रूर रहेगा, जिसके लिए आर अश्विन ने पहले ही बोल दिया है कि वर्ल्ड कप के मैचेस 11 बजे से स्टार्ट करने चाहिए, जिससे कि ड्यू फैक्टर कम हो, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वर्ल्ड कप में सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसको फ़ायदा होगा। इंडिया में आपको पता है ठंड में होता क्या है, अक्टूबर नवंबर में इंडिया में ठंड स्टार्ट हो जाती है, ये एक निश्चित बात है। आपको पता है नवरात्रि दीपावली के बाद, नवरात्रि के बाद से हल्की हल्की ठंडक आती है, दीपावली के बाद तो फुल फ्लैश ठंड स्टार्ट हो जाती है इंडिया में, मतलब ग्रेजुअली होती है, एकदम से नहीं होती है। तो ये वर्ल्ड कप इंडिया में है, और इंडिया के यूज्ड टू हैं दुनिया भर के प्लेयर, इंडिया में वो आईपीएल खेलते, इंडिया में एक दो सीरीज़ खेल के जाते, तो इंडिया के लिए
मतलब एक चीज़ है, अगर इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना है तो अपने ट्रैक को स्पिन ट्रैक में कन्वर्ट करें, और स्पिन ट्रैक की तैयारी इंडियंस की ही नहीं है। आपने देखा होगा कि मतलब ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए कोई आसान नहीं होने वाला है। 2011 की जो टीम थी भारत की, वो बहुत बढ़िया टीम थी, बहुत मतलब उसमें एक तो लेफ्ट हैंडर हमारे पास पर्याप्त थे, यहाँ पे आपको पता है हमारे पास लेफ्ट हैंडर कोई भी नहीं है। ऋषभ पंत मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप तक फिट हो पाएंगे, फिट होंगे तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। केवल शिखर धवन एक लेफ्ट हैंडर हैं जिनको शायद ही टीम में चुना जाए, और जडेजा हैं जिनको बल्लेबाजी के तौर पर तो उनको इतना वो ओडीआई में कभी वो मतलब क्या बोलते हैं उनको माना ही नहीं गया है, नीचे बैटिंग कराई जाती है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंडर नहीं है, लेफ्ट हैंडर होना टीम में ज़रूरी होता है। और बॉलिंग में भी यार इंडिया में बहुत रन बनते हैं, और हर ओडीआई ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई टीम ओडीआई आके इंडिया हमेशा 7-0 करता है, हमेशा यहाँ पे कोई भी टीम आती है इंडिया को मार के चली जाती है, सीरीज इंडिया जीतता है, बट ऐसा नहीं कि वो लोग हारते नहीं है। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड भी यहाँ पे आती है तो मैच जीत के जाती है, ऑस्ट्रेलिया भी आती है तो जीत के जाती है, साउथ अफ्रीका भी आती है तो मैच जीत के जाती है, और विंडीज़ तक ने भी अभी हमें ओडीआईज़ में यहाँ पे हराया है, एक दो मैच तो वो जीतते हैं भले वो सीरीज़ हार जाएं। और इंग्लैंड भी आती है सीरीज़ जीत के जाती है, ओडीआई सीरीज़ मुझे याद है इंग्लैंड के साथ था, अहमदाबाद में मैचेस हुए थे, अहमदाबाद में एक मैच वो जीते थे, हालांकि हम सीरीज़ वो जीत गए थे। तो ओडीआई का वर्ल्ड कप हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कॉमेंट पर अपनी राय दें।